हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोए स्टूडेंट्स। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं और बीकॉम के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप, तो आपका जो मेजर सब्जेक्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और हम साथ ही साथ उनके आंसर को भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं बताऊंगी आपको, वो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, इसलिए उनको अच्छे से तैयार करके ही एग्जाम में जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डीमेरिट। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी डेफिनेशन एज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइज टू लुक आफ्टर देयर कॉमन इंटरेस्ट थ्रू म्यूचुअल कोऑपरेशन। ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव एक्ट 1912। सो आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे और इसी तरह से एग्जाम में आपको लिखना होगा। योर सेकेंड क्वेश्चन इज, डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। तो देखिए, जो डिफरेंस होता है प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी के बीच में, तो इसमें हम देखें, पहला डिफरेंस तो ये होता है मिनिमम एंड मैक्सिमम पर्सन। प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम पर्सन 2 होते हैं और मैक्सिमम 200 होते हैं, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम पर्सन की जो नंबर है वो होता है 7, और जो मैक्सिमम पर्सन होते हैं वो होते हैं पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड, यानी कि कितने भी हो सकते हैं अनलिमिटेड। सेकेंड डिफरेंस होता है नेम। प्राइवेट कंपनी में आपका जो भी कंपनी का नाम है उसके आगे हमें प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है, और पब्लिक कंपनी में हमेशा लिमिटेड लिखा जाता है। अब पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी के बीच में जो तीसरा डिफरेंस है वो ये है कि इनमें जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, तो उस पर साइन कितने मेंबर की होगी। सो देखिए, प्राइवेट कंपनी ओनली 2 मेंबर्स हैव टू साइन द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, एंड पब्लिक कंपनी के अंदर 7 मेंबर हैव टू साइन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। योर थर्ड क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन पर्सन कंपनी। देखिए, वन पर्सन कंपनी तो आप जानते ही हैं कि वन पर्सन कंपनी मीन्स ए कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज ए मेंबर, यानी कि इसमें बस एक ही पर्सन होता है, उसका मेंबर होता है। सच ए कंपनी मे बी फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज बाई वन पर्सन एंड इट इज ए टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी। सो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आप ये लिख सकते हैं एज अ हेडिंग कि इट इज ए टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, इट इज फॉर्म फॉर एनी लॉफुल पर्पज बाई वन पर्सन एंड इट इज ऑनली वन पर्सन एज ए मेंबर। तो आप इसको हेडिंग बाई हेडिंग बनाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंपनी डिफाइन कंपनी, एक्सप्लेन इट्स एसेंशियल फीचर। तो अब कंपनी क्या होती है, आप कंपनी को किस तरह डिफाइन करेंगे? तो सबसे अच्छा है कि आप कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है कंपनी की, उसको एग्जाम में लिखिएगा। जैसे देखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि 2013 के कंपनी एक्ट के तहत जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है और उसके जो भी कंपनी के लॉ होते हैं, तो उन सभी के द्वारा कंपनी जो रजिस्टर्ड होती है वही कंपनी होती है। और देखिए, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन भी होती है, क्रिएटेड बाय लॉ भी होती है, और इसका अपना एक कॉमन सेल भी होता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पार्टनरशिप, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेरिट। देखिए, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप इनको पूरा डिटेल में पढ़कर जाइएगा। समझते हैं पार्टनरशिप क्या होता है। देखिए, टू और मोर इंडिविजुअल्स मे फॉर्म ए पार्टनरशिप बाई मेकिंग रिटन और ओरल एग्रीमेंट that they will jointly assume full responsibility and for the conduct of the business। यानी कि जहाँ पर दो या फिर दो से ज़्यादा लोग मिलकर oral या फिर written form में जैसे कि एक agreement बनाते हैं मिलकर business करने का, मिलकर capital लाते हैं, मिलकर work करते हैं, वो partnership होती है। और इसकी characteristics and merits को आप लोग देख के अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, exam में ज़रूर पूछेगा।
देखिए नेक्स्ट है एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स, यानी कि कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं बिजनेस के अंदर। तो देखिए 7 तरह के होते हैं, जैसे कि एक्टिव और एक्चुअल पार्टनर होता है, दूसरा है स्लीपिंग पार्टनर, तीसरा है नॉमिनल पार्टनर, चौथा है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, यानी कि एक ऐसा पार्टनर जो बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है सिर्फ उसको लेता है, अगर लॉस हो गया तो वो लॉस को बियर नहीं करेगा। अगला होता है सब पार्टनर, और उसके बाद छठा पार्टनर होता है लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर वो होता है जिसकी पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड होती है, जितनी उसने उस पर कैपिटल लगाई है वहीं तक उसकी लायबिलिटी भी होती है। उसके बाद है 7वां पार्टनर बाय स्टॉपेल और होल्डिंग आउट। देखिए इस पर मैंने वीडियो भी अपलोड की है, आप चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोल ट्रेडिंग, डिस्क्राइब इट्स फीचर्स। देखिए मैंने इस पर भी वीडियो अपलोड की है, मैंने आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कई सारी वीडियोज अपलोड की है। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें एक ही मतलब मेन मेंबर होता है और वही उस बिजनेस का ऑनर भी होता है, और वो भले चाहे तो उसमें लेबर रख सकता है या फिर किसी को, मतलब जैसे इसमें बस एक ही पर्सन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं एकांकी व्यापार। तो इसको मैंने पूरा डिटेल में कराया हुआ है और उसके जो फीचर्स हैं उसको भी मैंने कराया है। इसके फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगी इसके पूरे आंसर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय मॉडर्न बिजनेस, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये जरूर आएगा क्योंकि आज का दौर ही मॉडर्न बिजनेस हो चुका है। तो मॉडर्न बिजनेस से आप क्या समझते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय रेशियोनलाइजेशन, डिस्कस इट्स एम एंड ऑब्जेक्टिव्स। देखिए रेशियोनलाइजेशन है क्या और उसके क्या एम है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप उनको भी तैयार कर लीजिएगा, लॉन्ग में आपके पूछ सकता है। फिर अगला है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिफरेंस क्या है ट्रेड में, कॉमर्स और इंडस्ट्री तीनों के बीच में, काफ़ी सिंपल सा है, डिफरेंस तैयार कर लीजिएगा। अगला है व्हाट इज बिजनेस कॉम्बिनेशन, विच फैक्टर्स लीड टू द कॉम्बिनेशन इन बिजनेस, इसको भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ विद एन परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट क्लियरली। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जरूर आ जाता है, स्टेटमेंट यानी कि कोई डेफिनेशन दे दी जाती है किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे ये भी एक डेफिनेशन है हनी के अकॉर्डिंग, तो आपको स्टेटमेंट दे दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इसको मतलब पूरा एक्सप्लेन कीजिए कि ऐसा कैसे, जैसे कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाई लॉ है, परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील भी इसका अपना होता है, तो इसको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए, और इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग में ही पूछता है। फिर अगला है व्हाट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन क्या है इसको भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए इसके अलावा आपके बी कॉम फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका मेजर पेपर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन है, उसकी भी मैंने पूरी यूनिट्स भी अपलोड की हुई हैं नोट्स के साथ, और साथ ही साथ उन सभी के मॉडल पेपर भी अपलोड किए हुए हैं एग्जाम के मॉडल पेपर, तो आप उनको देख लीजिएगा, चैनल पर विजिट करके आपको सब कुछ मिलेगा, मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।